नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए। लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को आज लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। जब तक मामला प्रिविलेज कमेटी के पास लंबित है और जांच की रिपोर्ट आती है तब तक वो सदन से सस्पेंड ही रहेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा और किस बात पर उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता हर बार देश और सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। हमने उसी दौरान माफी की मांग की थी लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। उनके खिलाफ फिर प्रस्ताव लाया गया जिसे स्वीकृत कर लिया गया। स्पीकर ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी का बर्ताव सदन के अनुरूप नहीं था। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया। सर, मैंने उसी टाइम पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी उठाया था लेकिन अफसोस की बात यह है, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज सर, द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी सर, एवरी टाइम whenever the honorable prime minister speaks, whenever other minister speaks, whenever they reply, whenever there is a debate, every time deliberately he tries to disturb sir, a habitual ho gaya sir, it has become a habitual and it is most unfortunate because he is the leader of the congress party which is the largest party in this house sir, in the opposition. In spite of repeated request, repeated warning from the chair also, he has not improved himself. दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव की ताकत आज प्रधानमंत्री को संसद में ले आई। हम में से कोई भी इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नहीं सोच रहा था। हम तो यही मांग कर रहे थे कि पीएम मोदी संसद में आए और मणिपुर मुद्दे पर बोले। सर देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले, ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि जब धृतराष्ट्र अंधे थे तब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, आज भी राजा अंधे बने बैठे हैं, मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं है। पहले अधीर रंजन चौधरी का ये बयान सुनिए। सर बात यह है कि मणिपुर में क्या देखा, मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की माँ बहन को वस्त्रहीन हालत विवश करके उनके ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रही है कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र से जब अंधा रहते थे उस समय द्रौपदी की वस्त्रहरण हुई थी, आज भी राजा अंधे बैठे हैं इसलिए किसी को नाम नहीं लिया। तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनकर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जरा अधीर रंजन चौधरी का ये बयान सुनिए। बहुत दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके,
हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत उन्हें छू नहीं सके। तो कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है, और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे। सर इनको माफी मांगना चाहिए, इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया, जैसे गृह मंत्री ने बताया समय हमारे पार्टी से लिया है, और अभी इनका अभी लेकर क्या क्या बात कर रहे हैं सर, ये चुनाव से लेकर सर ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर, चीता तक ये नीरव मोदी को कौन कौन तो इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिए हुए हैं। सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए। मैं तो ये मेटाफोरिकली बोला, अभी सदन के अंदर मेटाफोरिकली लोन कौन दिया, लोन कौन दिया बोलिए, कोई गलत। अरे अजीर बाबू लोन कौन दिया बताइए, आपके एसी के ऑफिस से फोन करके लोन दिवाए नीरव मोदी को, क्या बात कर रहे हैं। अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर ही रहता था, उनको लोन वसूली करने के लिए कोशिश की हमारे सरकार, इसीलिए भाग गए हैं। तो उदाहरण की तरह बोले सर, बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे चांद हो। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उसी वक्त सदन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक हाई अथॉरिटी है, इस बयान को खत्म किया जाना चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ निराधार आरोप स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इसे रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाए, और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया।